ऐसे श्रद्धा के स्थान से एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इस आधुनिक युग में कोरोना काल का सामना करने के लिए, इस आधुनिक युग में कोई मानसिक या प्राकृतिक विपदा आई तो उसका सामना करने के लिए ये प्राचीन स्थान में जहां हमारे अनेक गुरुजनों ने अपनी जिंदगी बिताई है, समाधि अपनाई है, यही हमारी ऊर्जा का स्रोत बनता है आज के लिए भी और भविष्य के लिए भी। तो आज इस दिवस पर आपके समक्ष आकर मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि दर्शन करने का एक मौका मिला और मेरे साथ नारा लगाओ, पटिया वाले बाबा की जय, पटिया वाले बाबा की जय, पटिया वाले बाबा की जय, जय हिंद जय भारत।
इस बात की सहायता मिले कि आपको आसन मिली क्या? 10,000 रुपए का लोन मिला सर। 10,000 रुपए का बिना ब्याज का लोन? लॉकडाउन में भी खाया था, मैंने परेशान हुआ था लॉकडाउन लगने से। अरे लॉकडाउन में भी चल रही थी? हाँ सर। चलिए लॉकडाउन में चलाया तो ताली बजा के स्वागत करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, और मैं मुरैना नगर निगम को भी बधाई देता हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में भी नगर निगम इस योजना को चलाता रहा और गरीब भाई और बहनों को भोजन मिलता रहा। बहुत बहुत बधाई। इसलिए उसी के तहत हमने इस महीने भी हम लोगों ने ये रोजगार मेला का आयोजन किया है, जिसमें 15 कंपनियां आई हैं, जिसमें रोजगार का अधिकारी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने 15 कंपनियों को यहाँ पर मुरैना जिले में लेके आए हैं। और खुशी की बात ये भी है कि 900 बच्चों का पंजीयन हुआ है। हम उम्मीद करेंगे कि मैक्सिमम बच्चों का हम ऑफर लेटर हम दे पाए। जो बच्चों से हमारा हमेशा मेरी गुजारिश रहती है कि इसको एक अवसर माने, ये ना सोचे कि हम लोगों को किसी अन्य प्रदेश में या अन्य जगह पे जाके काम करना है तो हम ये ना सोचे कि भाई वहां पर जाके हम कैसे रहेंगे या कैसे कार्य करेंगे। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं, शुरुआत करते हैं या कहीं पे भी जगह पे जाते हैं अन्य जगह पर, तो शुरुआत में हमेशा कठिनाई रहती है, तकलीफें रहती हैं। जब तक हम उस चीज को सहन नहीं करते तब तक हम लोग एक लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत खराब लगता है जब हम लोग 1,000 ऑफर लेटर हम वितरित करते हैं और पता चलता है कि मात्र 200 बच्चों ने उसका उपयोग किया या वहां पर गए। हम लोगों को कोई भी चीज का जब अवसर मिलता है तो